हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम का जो शेष बचा हुआ था जो क्वेश्चन, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। चलिए, इसके पिछले वीडियो में 117 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, 118वां से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल कहता है कि विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन, तो ट्राइकोसाइटसिन पारामीशियम, पारामीशियम में लोकोमोशन के लिए सिलिया होता है, पेडिसिलरी ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश में लोकोमोशन के लिए उसमें स्टारफिश में लोकोमोशन के लिए जो है अदर ऑर्गन्स है, क्लाइटेलम इन फेरिटिमा, क्लाइटेलम जो है उसकी बॉडी का जो है कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक जगह फ्यूज्ड करके एक हो जाते हैं, क्लाइटेलम है। यहाँ पर सेक्सुअल माने ओपनिंग निकलते हैं तो बन जाता है पोस्टेरियर सकर इन हिरुडिनेरिया। तो यही जो है सकर जो है यही क्या है, हिरुडिनेरिया मतलब लीच, हिरुडिनेरिया माने लीच, जोंक जो हम लोग कहते हैं, जोंक में जो है यही सकर्स क्या होता है, पोस्टेरियर सकर्स मतलब लोकोमोशन में जो है काम आता है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनिया सैजिनाटा। टीनिया का जो है प्रमुख रूप से दो इसका जो है स्पेसीज है, एक टीनिया सैजिनाटा जिसको हम लोग बीफ नहीं पोर्क, पोर्क बोलते हैं, और एक है इसका टीनिया शोलियम जो बीफ के मांस माने गाय या और कैटल्स के मांस के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्ट होता है, जबकि ये पोर्क सुअर के मांस के द्वारा जो है ये स्पेसीज जो है सैजिनेटा क्या होता है प्रवेश करता है। तो टीनिया जो है टेपवर्म, उसकी दो प्रमुख जाति हो गया, टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम, ये जो है बीफ, बीफ पैरासाइट भी इसको हम लोग बोलते हैं, कि ये गाय या उस तरह के जो भी कैटल्स है उसके मांस खाने से ये फैलता है, जबकि ये टीनिया सैजिनाटा है पोर्क जो है पैरासाइट है, ये सुअर के मांस खाने से जो है फैलता है। तो कहता है कि उसके लाइफ साइकिल में लाइफ हिस्ट्री हैज पिग एज इंटरमीडिएट होस्ट, देर आर टू लार्ज सकर्स ऑन स्कोलेक्स, रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट, रोस्टेलम हैज डबल सर्किल ऑफ हुक्स। इसमें कौन होगा, तो इसमें जो है ये रोस्टेलर जो हुक्स होता है अब्सेंट होता है। ये बात आपको याद करना होगा कि टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम दो टीनिया का जाति हुआ, उसमें टीनिया सैजिनाटा के बारे में क्या सत्य है ये बात कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि रोस्टेलर हुक्स एब्सेंट होता है, और ये रोस्टेलर हुक्स जो है टीनिया सोलियम में क्या होता है प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरली जो है यही दो माने यही जो है दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, इसीलिए जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम तो आप रोस्टेलर हुक्स की बात करेंगे। रोस्टेलर हुक्स जो है नहीं पाया जाता है टीनिया सैजिनाटा में, और ये टीनिया सोलियम में पाया जाता है, ये बात हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोसेस सेल्स बट नो नर्व्स। ऐसा क्वेश्चन पहले भी है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पूछने का जो है इसमें जो है
नर्व सेल्स होता है, न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल होता है लेकिन नर्व सेल होता है लेकिन नर्व्स नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, ऐसा कौन है? हाइड्रा सिलिंड्रिटा का ये कैरेक्टर है। चलिए अब बॉडी चलो अब अगला क्वेश्चन है बॉडिंग। बॉडिंग जो है नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बॉडिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है नॉर्मल मोड किस में है? तो हम लोग देखे हैं कि हाइड्रा, हाइड्रा तो बॉडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अब हाइड्रा के साथ स्पॉन्ज में भी ये बॉडिंग का जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है अच्छा एग्जाम्पल है, इसीलिए आंसर हम लोग का हाइड्रा एंड स्पॉन्ज हो जाएगा। स्टार फिश में ये होगा नहीं, स्पॉन्ज में तो होगा, टेपोर में ये नहीं होगा, हाइड्रा में होगा, स्टार फिश में फिर नहीं होगा, तो इसलिए पूरे टेंसर हाइड्रा और स्पॉन्ज है। हम लोग पढ़े भी हैं सिलेंट्रेटा और स्पॉन्ज का कैरेक्टर, उसमें बॉडिंग जो है मिला है, बॉडिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हाइड्रा और स्पॉन्ज का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, ट्रैकिया ऑफ द कॉकरोच एंड मैमल्स आर सिमिलर इन हैविंग पेयर्ड नेचर, नॉन कोलेसेबल वाल्स, सिलिएटेड इनर लाइनिंग, ओरिजिन फ्रॉम हेड। तो ये दोनों जो है नॉन कोलेप्सिबल वाल्स, माने ट्रैकिया मतलब सांस लेने वाला, श्वास नली की तरह रचना, कॉकरोच में भी है और मैमल्स में भी है, तो दोनों में क्या समानता है? दोनों जो है नॉन कोलेप्सिबल है, माने दोनों जो है सिकुड़ नहीं सकता है, दोनों पिचक नहीं सकता है, ये दोनों का जो है अपना ट्रैकिया का कैरेक्टर है। बाकी जो है पेयर्ड नेचर, ट्रैकिया तो मैमल्स में एक है, सिलिएटेड इनर लाइनिंग मैमेलियन कैरेक्टर है लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है, ओरिजिन फ्रॉम हेड चलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है नॉन कोलेप्सिबल वाल्स दोनों का कैरेक्टर है, ये सब चीज आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जो है कुछ क्वेश्चन इसमें जो हम लोग को मिल रहे हैं वो कुछ पुराने सिलेबस के भी सवाल है ना, इसलिए आपको ये सब कैरेक्टर्स जो है नहीं मिलता होगा, लेकिन चलिए क्वेश्चन दिया है तो बना लेते हैं, काम आएगा। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप जो नया किताब जो एनसीईआरटी का है उससे पूरा एनिमल किंगडम को एक बार बैठ के 2-3-4 घंटा में जितना लगे पूरे एनिमल किंगडम को एक बार पढ़ जाइएगा तो बहुत बढ़िया जो है ये हो जाएगा और सारा सवाल इससे आपका जो है पकड़ा जाएगा। चलिए तो इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने सिलेबस का भी है इसीलिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा और हम लोग भी उस पर ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी सवाल है तो सबका बनवा दे रहे हैं। चलिए कहता है लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कह रहा है कि ये एनिमल्स का ग्रुप दिया है कि इसमें जो है सभी में लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग अपना चॉइस जो है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में जो है लार्वल स्टेज पाया जाता है, कैटरपिलर लार्वा जो है बटरफ्लाई का है, उसके बाद में फ्रॉग में टेडपोल लार्वा है, टेडपोल लार्वा, और मस्क्यूटो में भी जो है लार्वा पाया जाता है रेगुलर लार्वा, इसलिए हम लोग का आंसर हो गया अर्थवर्म में जो है लार्वा नहीं होता है, फिर जो है आपको हाउस फ्लाई लिजार्ड ये सब में जो है नहीं है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे एक्यूरेट आंसर जो हम लोग का ये हो जाएगा, बटरफ्लाई फ्रॉग एंड मॉस्किटो सबका लार्वा का भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि इसके लार्वा का भी नाम पूछ दे। चलिए यहाँ कह रहा है कि गोरिला चिंपांजी मंकी एंड ह्यूमंस बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर है, ये गोरिला चिंपांजी और ह्यूमंस इसका जो है ऑर्डर क्या है सेम है, कौन सा ऑर्डर है?
प्राइमेट्स, आपको याद रखना होगा। ये सभी जो है गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, मैंने सभी मैमल्स हैं, और उस क्लास मैमल्स का एक ऑर्डर है प्राइमेट्स, उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो इन सभी का क्या सेम हो गया, एक ऑर्डर हो गया। जीनस स्पेसिस तो सब का अलग अलग है फैमिली, लेकिन ऑर्डर जो है सभी प्राइमेट्स के सदस्य हैं। याद हो सकता है कि इसका ये कर दे ये किस ऑर्डर के हैं, ये दे दे और बदल दे कि किस ऑर्डर के हैं, तो आप याद रखिएगा प्राइमेट्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन व्हेल, बैट एंड रैट। कह रहा है कि व्हेल, बैट और रैट, मतलब व्हेल, चमगादड़ और चूहा में क्या कॉमन है। तो चीज़ एक चीज़ आप लोग देखिएगा, एब्सेंस ऑफ नेक, इस पर नहीं सोचिए। ये तीनों क्या है, मैमल्स हैं, तीनों क्या है, मैमल्स है। तो मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर हम लोग पढ़े थे, डायफ्राम। मैमल्स मैमेलियन कैरेक्टर क्या था, यूनिक कैरेक्टर, पिछले वीडियो में हम लोग इस पर सोल्यूशन बनाए थे। तो मैमेलियन का यूनिक कैरेक्टर क्या मिला था, डायफ्राम, जो उसका अपना कैरेक्टर है। बाकी किसी भी मतलब एनिमल्स में जो है डायफ्राम नहीं पाया जाता है। तो हम डिटेक्ट कर लिए कि ये तीनों क्या है, मैमल्स है। तो अब्सेंस ऑफ नेक, नेक की अनुपस्थिति। चलिए, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस टू अवॉइड हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ये गलत है, ये लोग का इंट्रा एब्डोमिनल जो है टेस्टिस है, ये उसके एग्जांपल्स है। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, ये भी किसी में है किसी में नहीं है। लेकिन सबसे मैमेलियन कैरेक्टर्स, सबसे एक्यूरेट हम लोग को कौन मिला है, मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, क्योंकि ये तीनों क्या है, मैमल्स है, इसीलिए एक्यूरेट आंसर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, एरिस्टोटल्स लैटर्न्स अकर्स इन क्लास। तो एरिस्टोटल लैंटर्न अकर्स इन क्लास इकाइनोआइडिया, इकाइनोडर्माटा फाइलम का जो मेंबर्स है उसमें एरिस्टोटल लैंटर्न नाम की रचना पाई जाती है, जो इकाइनोआइडिया में जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सब स्टारफिश बिलोंग्स टू एस्टेरॉइडिया, ओफ्यूरवाइडिया, होलोथ्यूरवाइडिया, रिनमाइडिया। तो एस्टेरॉइडिया, इसीलिए स्टारफिश को एस्टेरस भी हम लोग कहते हैं, एस्टेरॉइडिया का जो है वो सदस्य है। चलिए, आई ऑफ द मोलस्कन ग्रुप डैट रिजेंबल्स वर्टिब्रेट आई इज, माने मोलस्कन ग्रुप का जो आई होता है वो वर्टिब्रेट के आई से किसके साथ संबंध रखता है, तो सिफाइलोपोडा, सिफाइलोपोडा जो है मोलस्का का एक सदस्य, जिसका हेड और हेड थोरेक्स एक साथ जुड़ा रहता है। सिफाइलोपोडा मतलब उसके ऑक्टोपस समझिए, ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस सेफाइलोपोडा का है, उसका लेग्स और हेड क्या होता है, अटैच रहता है। तो उसमें जो है थोड़ा सा वर्टिब्रेट आईज के साथ वो समानता रखता है, रिजेंबलेंस रखता है, तो आपको सेफाइलोपोडा याद रखना होगा। चलिए अब जो है हम लोग का चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, एडल्ट क्यूलेक्स इन एनोफिल्स कैन बी डिस्टिंग्यूश विथ द हेल्प ऑफ, मैंने कहता है कि क्यूलेक्स, एडल्ट क्यूलेक्स और एनोफिल्स, ये दोनों जो है मॉस्क्यूटो का क्या है, अपना जो है जाती है। तो कहता है कि इसको हम दोनों को, क्यूलेक्स को और एनोफिल मच्छर को
हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो मस्किटो को दोनों को जो है सीटिंग पोस्चर के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मतलब ऐसे जो है ऐसे बैठा रहेगा एंगल के साथ तो वो एनोफिल हो जाएगा, क्यूलिक्स जो है एकदम पैरेलल बैठा रहता है ना। अगर यही जो है ऐसे बैठा रहेगा तो अर्थ के पैरेलल होगा तो वो क्यूलिक्स हो जाएगा। मतलब सिटिंग पोस्चर के आधार पर हम लोग क्यूलिक्स और एनोफिल को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स साइरिंग्स, ये बर्ड्स बर्ड्स का कैरेक्टर है। साइरिंग्स जो है एक स्ट्रक्चर है, चिड़िया में जो आवाज़ निकलता है इतना मीठा जो सुरीला आवाज़ है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है साइरिंग्स। साइरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। चलिए एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड, एस्केरिस के लार्वा को क्या कहते हैं, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। कारण कि सिस्टी सर्कस हेक्सा कैंथ और ऑंकोस्फेयर ये जो लार्वा है ये किसका लार्वा है, टीनिया का, टेपवर्म, फीता क्रीमी, टीनिया टेपवर्म फीता क्रीमी का क्या है ये लार्वा है, इसीलिए अपना एस्केरिस का लार्वा क्या हो जाएगा। तो एस्केरिस के लार्वा को रेबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, आपको याद रखना होगा। बाकी ये सभी जो नाम है तीनों ये टीनिया के लार्वा का नाम है, तो हो सकता है कहीं टीनिया का पूछ दे तो फिर आप ऐसा करेंगे। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। चलिए कहता है व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया, टीनिया के बारे में क्या सही है। तो कहता है कि मेल ऑर्गन्स अकर्स इन पोस्टेरियर प्रोग्लॉटिड्स, मेल ऑर्गन्स अकर्स इन एंटेरियर प्रोग्लॉटिड्स, फीमेल ऑर्गन्स अकर्स इन एंटेरियर प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कंटेंस बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो ये एक्यूरेट आंसर है। इसका जो प्रोग्लॉटिड्स जो होता है सेगमेंट्स उसमें मेल अब प्लस फीमेल एक ही प्रोग्लॉटिड्स में पाया जाता है, एक ही खंड में पाया जाता है। क्योंकि ये टीनिया जो होते हैं, ये टीनिया जो है ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है मतलब बाईसेक्सुअल है, और बाईसेक्सुअल में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। और टीनिया की खास बात है कि एक ही प्रोग्लॉटिड्स में टीनिया के मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो टीनिया के बारे में सत्य है कि उसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही प्रोग्लॉटिड्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, सिंपलेस्ट टाइप मैंने सबसे कैनाल सिस्टम जो है, यहाँ पर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर है। तो उसमें जो कैनाल सिस्टम का टाइप है एस्कन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, ये रेडियल टाइप ऐसा कुछ नहीं है, इसी तरह से दे दिया है। तो ये तीन टाइप का जो इसमें लिखा हुआ है उसमें सबसे सिंपल एस्कन टाइप कहते हैं, जो ल्यूकोसलेनिया में पाया जाता है, ल्यूकोसलेनिया नाम के पोरीफेरा में पाया जाता है ल्यूकोसलेनिया। उसके बाद में एस्कन टाइप, ए ल्यूकन टाइप जो है एस्पोंजिला में और साइकोन टाइप जो है साइकोन में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को, चलिए ये सब का हम लोग का कोई खास मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम किसको बोलते हैं, एस्कन टाइप जो है सिंपल, ये सवाल पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग का एक सवाल बड़ा मैंने बहुत बार रिपीट किया है वो एक सवाल हम लोग के पास आ गया। एन एग लेइंग मैमल्स
अंडा देने वाला स्तनधारी, जबकि मैमल्स क्या है, मैमल्स जो है विवीपरस है, बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसका दो ऐसा एग्जाम्पल है मोनोट्रीमेटा का सदस्य जो है वो डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी टैचोग्लॉसस इकाइडिना टैचोग्लॉसस या स्पाइनी एंट ईटर और ऑर्निथोराइनकस डक बिल प्लेटिपस, ये दो ऐसे मैमल्स है जो अंडा देने वाली स्तनधारी है। बहुत बार पहले भी क्वेश्चन रिपीट किया है, इसको आपको याद ही कर लेना चाहिए। किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट जो है मैमल्स है और मैमेलियन किडनी जो है मेटानेफ्रिक होता है, तो इसलिए मेटानेफ्रस जो है हम लोग चेकेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्माटा में क्या होता है, तो मेनली जो है एडल्टहुड में रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री वाला हम लोग जो है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्माटा, ये तीन पूरे एनिमल किंगडम में ये तीन ऐसा फाइलम है, इकाइनोडर्माटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, जिसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। लेकिन इकाइनोडर्माटा के बारे में एक सवाल है, इकाइनोडर्माटा के बारे में बताया जाता है कि इकाइनोडर्माटा में जो एडल्ट है, एडल्ट में जो है रेडियल सिमेट्री होता है, ये भी बात याद करना है। और जब इसका लार्वल स्टेज है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, पहले भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिला है, तो लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है। तो हम इकाइनोडर्माटा की जब बात आता है तो चलिए इसमें तो एक चेकना है, तो हम लोग इकाइनोडर्माटा में मेनली जो है एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन जब लार्वल स्टेज की बात की जाए तब आंसर क्या हो जाता, बाइलेटरल सिमेट्री। कारण कि इकाइनोडर्माटा में स्टेज के आधार पर जो है निर्भर करता है, स्टेजेस के आधार पर क्या होता है उसका सिमेट्री डिपेंड करता है। अगर लार्वल स्टेज में है कोई इकाइनोडर्माटा तो क्या होगा, बाइलेटरल होगा, अगर एडल्ट हुड में है तो उसका क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। इस पर अब चर्चा मैंने हम लोग पहले भी किए हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये सवाल इस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यूनिक कैरेक्टर है, जो एक्सेप्शनल केस है, इकाइनोडर्माटा में ठीक है रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन लार्वल स्टेज में क्या हो जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इसका मतलब है कि इकाइनोडर्माटा में स्टेजेस के आधार पर क्या होता है उसकी सिमेट्री निर्भर करता है। इकाइनोडर्माटा जो है जब लार्वल स्टेज में होता है इकाइनोडर्माटा तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है, जब वो चेंज करता है एडल्ट में तो उसकी सिमेट्री भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी हुआ इकाइनोडर्माटा का, इसलिए इस पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है आगे क्वेश्चन पर देखते हैं, कहता है कि एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज, कहता है कि इसमें कौन ऐसा जो है इंसेक्ट है जो बीमारी का जो है वाहक, सबसे बड़ा वाहक है, तो ये जो अपना मुस्का है, मुस्का हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जो घर पे जो है गंदा जो है या भोजन वोजन पर जो भिनकते रहता है मक्खी, वो क्या होता है माने सबसे ज़्यादा जो है बीमारी फैलाने वाला इंसेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन, इंसेक्ट में पूछा है। देखिएगा मेटामॉर्फोसिस एक शब्द है, तो जिसमें भी लार्वल स्टेज पाया जाता है, जिस भी एनिमल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज पाया जाता है, तो लार्वल स्टेज जो है ट्रांसफॉर्म्ड होता है एडल्ट स्टेज में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेज इनटू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस जो है एक हार्मोनल प्रोसेस है, हार्मोन के द्वारा होने वाला क्रिया है। तो इंसेक्ट का पूछा है तो इकाइडिशोन जो हार्मोन है, इकाइडिशोन हार्मोन इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक ये जो है थायरोक्सिन भी जो है मेटामॉर्फोसिस करवाता है, लेकिन किस में? फ्रॉग में। अगर फ्रॉग का बात पूछता तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कौन करवाता है? थायरोक्सिन। तो मान लीजिए इंसेक्ट का पूछा तो हम इकाइडिशोन लिख दिए। इकाइडिशोन हार्मोन जो है इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में क्या करता है? भाग लेता है। और जबकि फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस थायरोक्सिन करवाता है। तो हो सकता है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग यहाँ पूछ दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन इंसेक्ट का पूछा है इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सवाल हो मतलब जवाब होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन। पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? तो स्पाइक्यूल्स, पॉरीफेरा को जो क्लासिफाई किया गया है उसके स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स क्या है? स्केलेटन। इसके स्केलेटन को, कंकाल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल्स। तो स्पाइक्यूल्स जो है पॉरीफेरा का तीन तरह का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, तो स्पाइक्यूल्स जो है इसका तीन तरह का हो जाएगा। एक कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका जो है इसमें जो बांटा गया है कैल्केरिया। कैल्केरिया मतलब जिसका स्केलेटन स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। कुछ पॉरीफेरा का जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स केमिकल्स के होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स, और कुछ जो है सिलिका के बने होते हैं ना, सिलिशियस सिलिकेट। तो तीन तरह का जो है इसके इसके पॉरीफेरा का जो स्केलेटन है स्पाइक्यूल्स कंकाल, वो तीन तरह के केमिकल से बने होते हैं। और इसी केमिकल नेचर के आधार पर इसको तीन जो है क्लास में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन का क्या आधार है? स्पाइक्यूल्स, स्केलेटन, और स्केलेटन देख लीजिए कितना प्रकार का होता है। चलिए एस्केरेटरी, अगला क्वेश्चन, द एस्केरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट वर्म या टीनिया। फ्लैट वर्म या टीनिया ये कौन है? प्लैटीहेलमिंथिस का सदस्य है। और ये सवाल हम लोग को पहले मिला है, प्लैटीहेलमिंथिस का एस्केरेटरी ऑर्गन्स कौन है? फ्लेम सेल्स, या इसी को हम लोग क्या बोले थे? स्लेनोसाइट्स। ये मिला था, दो दो एक क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पर पूछा है कि एस्केरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लैटीहेलमिंथिस, लेकिन देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करता है? घुमाता फिराता है। इसलिए क्वेश्चन को अगर बारीकी से अगर बनाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाते हैं, अपना स्टडी के आधार पर बनाते हैं, तो क्वेश्चन बदल अदल के पूछते रहता है। तो वैसा क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो पहले हमसे सवाल पूछा कि एस्केरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लैटीहेलमिंथिस, तो फ्लेम सेल्स, एक बार सेलेनोसाइट्स दिया, फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम क्या है? सेलेनोसाइट, तो वो भी होगा। तो यहाँ फ्लैट वर्म या टीनिया उसके एग्जाम्पल पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लैट वर्म और टीनिया प्लैटीहेलमिंथिस का ही सदस्य है। इसलिए इसका एस्केरेटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फ्लेम सेल्स या सेलेनोसाइट्स हो जाएगा। तो चलिए आंसर हो गया। अब देखते हैं, ब्लाडर वर्म या सिस्टी सर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म ही अपना कौन है? टेपवर्म टीनिया। टीनिया, टीनिया का जो है हम लोग ये पहले भी हम लोग को लार्वल स्टेज में मिला था एक। तो ब्लाडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा जो है
ब्लाडर वर्म का जो है क्या है, टेप वर्म टीनिया का क्या है, लार्वल स्टेज है, इस थोड़ा सा याद करना होगा आपको। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जो है, इकाइडिसिस इज शेडिंग ऑफ, इकाइडिसिस जो है वो किसका शेडिंग ऑफ है, तो स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये इपीडर्मिस का, इपीडर्मिस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो डेड सेल्स के बने होते हैं ना, तो इकाइडिसिस के दौरान जो है क्या होते हैं ये, मतलब शेड ऑफ होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, इसी को हम लोग इकाइडिसिस बोलते हैं, शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ स्किन, और वो स्पेशली इपीडर्मिस, इपीडर्मिस का ऊपर वाला स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो इकाइडिसिस हम लोग देखे, अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, इधर होगा ना 142 हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, पेंगुइन अकर्स इन एंटार्क्टिका, ये बात पेंगुइन जो है एक एक्वेटिक बर्ड्स है, जलीय पक्षी है पेंगुइन, फ्लाइटलेट्स वर्ड है, तो ये एक जल में रहता है, कहाँ, एंटार्क्टिका में, ये बात आपको याद रखना है पेंगुइन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार एन ओरिएंटल सोर आर स्प्रिड बाय सैंड फ्लाई, बलुई मक्खी जो है, तो कालाजार का सीधे याद है हम लोग का, अगर ओरिएंटल सोर का नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कालाजार का याद रहेगा, कालाजार कौन किस मच्छर से होता है, सैंड फ्लाई फेलियोबोटेमस आर्जेंटिपस इसका जूलॉजिकल नाम है, तो सैंड फ्लाई जो है काला जर को स्प्रेड करता है, फैलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मालफिजियन ट्यूबल्स आर एस्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एस्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा, रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा, तो मालफिजियन ट्यूबल्स जो है एस्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है ना, आर्थ्रोपोडा में ही हम लोग कैरेक्टर देखे हैं, तो मालफिजियन ट्यूबल्स के द्वारा क्या होता है, इसमें एक्सक्रेशन होता है, तो इसलिए एक्यूरेट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, एस्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट के मालफिजियन ट्यूबल्स। देखिए अगला क्वेश्चन, टीनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलिनम इन, ये सवाल हम लोग को पहले भी मिल चुका है, एब्सेंस ऑफ ये स्कोलेक्स हुक्स ना, टीनिया सेजिनाटा में एकदम, देखिए इसी को सवाल ऐसे बना लिया हम लोग पहले, ऐसा हम लोग क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका दूसरा था, लेकिन अब सीधे उसको डिफर कर दिया, तो टीनिया सेजिनाटा में ये स्कोलेक्स का जो हुक्स होता है वो नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यही सवाल हम लोग का हो गया, बाकी कुछ नहीं है, तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, टीनिया सेजिनाटा और टीनिया सोलिनम ये टीनिया की दो जाति हैं, तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि टीनिया सेजिनाटा में स्कोलेस हुक्स नहीं पाए जाते हैं, टीनिया सोलिनम में पाया जाता है, ऐसा पहले भी हम लोग को मिला है, वहाँ से अब देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, ये भी जो है रिपीटेड है थोड़ा सा, ऑंकोस्फेयर अकर्सिन, ऑंकोस्फेयर जो है टीनिया का लार्वल स्टेज है, हम लोग ऐसा चॉइस में रहता घेर के बिगे, तो टीनिया ऑंकोस्फेयर था, हेक्साकैंथ था, सर मेटा सर्केरिया सर, ये जो है ये सब ब्लाडर वर्म, ये सभी जो है टीनिया के लार्वल स्टेज है, तो इसी तरह ऑंकोस्फेयर किस में होगा, तो टीनिया में होगा, उसका लार्वल स्टेज है।
चलिए, यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ यूथेरियंस जो होता है यूथेरियंस, उसमें प्लासेंटा बनता है। तो ये यूथेरियंस का यूथेरिया जो है, हम लोग मैमल्स को बांटते हैं प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो प्रोथेरिया और मेटाथेरिया में प्लासेंटा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यूथेरियंस में हम वैसे मैमल्स को रखते हैं जिसमें मदर बॉडी के अंदर जो है, मदर बॉडी और फीटस के बीच में एक एसोसिएशन बनता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, और इसी प्लासेंटा के द्वारा मदर बॉडी से जो है फीटस अपना सभी आवश्यक सामग्री जो है लेते हैं और अपने वेस्टेज को फिर जो उसी माध्यम में प्लासेंटा के द्वारा ही जो है पूरा अपना सब चीज़ एक्सचेंज करता है। तो ट्रू प्लासेंटेशन जो है यूथेरियंस कैरेक्टर है, इसीलिए ये हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। विश बोन ऑफ बर्ड्स इज फ्रॉम, विश बोन जो है हम लोग चिड़िया के विश बोन पेक्टोरल गार्डल या क्लेविकल कहते हैं, वाई सेप्ट जो होता है ना, वाई सेप्ट, इसी कारण जो इसको विश बोन बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, पेक्टोरल गार्डल या क्लेविकल्स जो हैं विश बोन जो है बर्ड्स का कहा जाता है। चलिए, ए फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू, तो बर्ड्स का जो फ्लाइट मसल्स होता है वो कील ऑफ एस्टर्नम, एस्टर्नम का जो एस्टर्नम से जो आउटग्रोथ निकलता है किल्स, उसी से जो है फ्लाइट मसल्स जो है जुड़े होते हैं। चिड़िया में फ्लाई माने उड़ने के लिए मसल्स होता है ना, फ्लाइट मसल्स, तो आपको याद किसे जुड़ा रहेगा, एस्टर्नम से, और एस्टर्नम के किस हिस्सा से, किल, तो किल ऑफ एस्टर्नम हो जाएगा फ्लाइट मसल्स के लिए। ए कॉर्डेट कैरेक्टर इज गिल्स, स्पाइरिकल्स, पोस्ट एनल टेल और काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो पोस्ट एनल टेल जो है, जब आप कॉर्डेट्स के कैरेक्टर पढ़िएगा तो उसमें फायरेंजियल गिल स्लिट्स भी रहता है, लेकिन फायरेंजियल गिल स्लिट जो है और भी का भी जो है कैरेक्टर है, तो इसलिए पोस्ट एनल टेल जो है इसका माने सबसे एक मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। पांच कैरेक्टर है मतलब कॉर्डेट्स का जो इसका अपना खास है। तो कॉर्डेट्स में जो है पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसफर ऑफ टीनिया, ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर्स एज ऑंकोस्फेयर, टीनिया का लार्वल स्टेज था ना ऑंकोस्फेयर, तो इस ऑंकोस्फेयर के द्वारा जो है ये अपना सेकेंडरी होस्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर्स एज ऑंकोस्फेयर्स। चलिए, यहाँ से है ना, जेलीफिश बिलोंग्स टू क्लास स्काइफोजोआ, जेलीफिश जो है किसका मेंबर है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा का ना, तो जेलीफिश बिलोंग्स टू क्लास स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ क्लास का इसको देख लेना है। फिश विच कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो या लार्विसाइडल फिश, गैम्बूसिया, एक गैम्बूसिया जो मछली है जिसमें हम लोग अपना भाषा गरई मछली जो बोलते हैं, गरई मछली, ये लार्विसाइडल फिश है, माने ये मच्छर के लार्वा को बहुत चाव से खाता है ना, तो ये मॉस्किटो को जो है मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए गैम्बूसिया मछली को क्या कर दिया जाता है, पानी में जो है डाल दिया जाता है। आप देखते होंगे कि नाला उला में जो है गरई मछली रख दिया जाता है, पहले इनार होता था उसमें क्या किया जाता था, गरई या चेंगा मछली रखा जाता था, जो मच्छर जो
अपना मच्छर के जो लार्वा होता था उसको ही खा जाता था, इसलिए मच्छर का कंट्रोल होता है। तो गैम्बूसिया आप याद रखिएगा, ये लार्विसाइडल है, मॉस्किटो लार्विसाइडल, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए इस मछली का जो है। हेयर अकर्स इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट, हाँ ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हेयर अकर्स इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट दोज, माने हेयर्स जो है मैमेलियन कैरेक्टर है, सारे मैमल्स में हेयर पाए जाते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है सिटेशिया। सिटेशिया जो है इसमें ये मैमल्स ही हैं लेकिन इसमें हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी जितने भी मैमल्स हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, डॉल्फिन, डॉल्फिन व्हेल इत्यादि। डॉल्फिन व्हेल का जो है ग्रुप है सिटेशिया, जिसमें हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बर्ड्स बर्ड बर्ड वर्टिब्री आर हेट्रोशीरस होता है, इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका जिक्र डिटेल्स करेंगे। एक स्केलेटन जो है लोकोमोशन चैप्टर है, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। जब वर्टिब्री पढ़ाएंगे तो क्या है एससीलस, हेट्रोसीलस, प्रोसीलस और एम्फीसीलस, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तत्काल में बर्ड्स चिड़िया का जो वर्टिब्री है वो क्या है, हेट्रोसीलस है। चलिए आगे, फीट ऑफ किंग फिशर आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग। फीट ऑफ किंग फिशर जो है वन वेडिंग, चलिए ये बात सब आपको याद रखना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल फिजन सीक्रेट्स मिल्क, हाँ थ्रू क्रॉप, आपको जानना होगा। आप कभी बर्ड पिजन का दिया है, लेकिन किसी भी बर्ड में देखिएगा, मैंने मेल और फीमेल दोनों के जो क्रॉप है, स्टोमक का पार्ट है, क्रॉप क्या है स्टोमक का एक पार्ट है, जिससे एक पिजन मिल्क निकलता है, पिजन मिल्क निकलता है, और मेल और फीमेल दोनों से निकलता है। तो क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बर्ड्स जो है अपना पूरा मुंह खोल के और उसका बच्चा उसमें क्या करता है, मुंह डाल के जो है उसमें से क्या करता है, मिल्क को जो है सक करता है। वो तो वही है पिजन मिल्क, जो बर्ड्स में क्या होता है, सीक्रेट होता है उसके क्रॉप वाले हिस्सा से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टाइफ्लोप्स, टाइफ्लोप्स ये जो है एक ब्लाइंड स्नेक का जो है जाति है, ब्लाइंड स्नेक है जो नॉन पॉइजनस होता है, ये सांप ब्लाइंड स्नेक का जाति है टाइफ्लोप्स, जो क्या होता है पॉइजनलेस होता है, इसमें नॉन पॉइजनस स्नेक है ब्लाइंड स्नेक, जिसका ये एग्जांपल है। चलो नेक्टूरस इज मड पॉपी, एम्फीबियंस है नेक्टूरस, मड पॉपी इसको बोलते हैं। चलिए फायर विल्ड टोड इज, फायर विल्ड टोड इज आपको बॉम्बिना, ये आपको याद रखने वाला सब एग्जांपल है, इसको ये नाम से जानते हैं। मड पॉपी जो है इसको कहते हैं ब्लाइंड स्नेक, ये है, ये सब एग्जांपल पर आधारित है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सवाल है कि व्हिच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल, इसमें से कौन एम्फीबिया नहीं है। तो सेलेमेंडर है, टोड है, फ्रॉग है, टर्टवाइस जो है ये रेप्टाइल्स है ना, टर्टवाइस क्या है रेप्टाइल्स है, इसलिए ये हो जाएगा, यस यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि वुड बोरिंग मोलस्क, या इसी को सीप वर्म कहते हैं,
ये एग्जाम्पल मैं आपको पूछ देगा तो ये क्या है, टेरेडो। टेरेडो जो एक मोलस्का है जिसको सीप वर्म बोलते हैं या फिर वुड बोरिंग मोलस्का बोलते हैं, तो इसी को एग्जाम्पल करके उल्टे बोल देगा कि टेरेडो इज, अभी हमें से च्वाइस डाल देगा तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसमें जो भी आगे क्वेश्चन दिया है सब एग्जाम्पल पर आधारित है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ऑर्गन पाइप कोरल्स, बताइए ऑर्गन पाइप कोरल किसको बोलते हैं, तो ट्यूबीपोरा। ट्यूबीपोरा जो है पोरीफेरेंस है, सिलेंट्रेट्स है। ट्यूबीपोरा क्या है, एक सिलेंट्रेट है जिसको ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। इसके बाद में जो है, चलिए अभी इतना हम लोग का जो है अब तक एनिमल किंगडम पर इतना सवाल जो है 33 साल के मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका हम लोग सलूशन तैयार किए हैं। अगर आप लोग अपना कुछ बहुमूल्य समय निकाल के इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा काम आ जाएगा। आप इसी बहाने पढ़ लीजिएगा, किताब से पढ़ना थोड़ा सा अब आंसर याद करने जैसा होगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट सुनिएगा तो वो याद भी हो जाएगा और उससे आधारित और भी क्वेश्चन अगर चेंज करके बनाता है तो उसको भी पकड़ लेगा। इसमें कुछ सवाल जो है पुराने सिलेबस का भी है तो देख लीजिएगा, ऐसे वो नहीं पूछेगा। इसलिए इतना बनाने के बाद एक बार पूरे एनिमल किंगडम को अपना एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो इसका सारा सवाल जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एनिमल किंगडम हम लोग का समाप्त हुआ है। अब आगे जो है हम लोग प्लांट किंगडम पर का सवाल का वीडियो जो हम बनाएंगे, और चलिए वीडियो ज़रूर देखते रहिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, और पढ़ाई करिए बढ़िया से, अभी का पढ़ा हुआ आपको काम आएगा नीट एग्ज़ाम में। चलिए बेस्ट ऑफ लक।